हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और अब ट्यूसडे नहीं सॉरी आज है वेडनेसडे और अभी हम लोग जा रहे हैं सब कोई घूमने के लिए। घूमने नहीं जा रहे, सामान लेने जा रहे हैं मॉल। और उधर है अनु। अनु एंड दिस इज अनुज लुक। आज अनु बहुत प्यारी दिख रही है एंड दिस इज छोटा सा बच्चा जो कि बहुत बदमाश है, बहुत शैतान। एंड बाय द वे गाइस, मैंने एक चीज़ तो आप लोगों को दिखाना ही भूल गया, दिस इज पीकूज न्यू हेयर कट। पीकू, सो ये पीकू का न्यू हेयर कट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे साथ भाभी भी जा रही है, मैं उनसे मिलवाऊंगी आपसे थोड़े बाद में टोटो पे, बिकॉज हम लोग टोटो से ही जाने वाले हैं। कार है घर पे, मतलब एक अनु का कार है, एक मेरा कार है, भाभी का भी कार है, बट चलाने किसी को नहीं आता। तो बस चलिए हम लोग टोटो की सवारी करते हैं एंड ब्लॉग में बने रहो गाइस। सो फाइनली हम लोगों ने टोटो ले लिया, बहुत मज़ा आ रहा ना भाभी तुम्हें? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सबसे ज्यादा पिकू को मजा आ रहा है ना। पिकू भैया यहीं पे रोक दीजिए। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग विशाल मार्ट, चलिए शॉपिंग करते हैं। वैसे बहुत सारा शॉपिंग करने वाली है भाभी, आ गई ना भाभी? भाभी भाभी नहीं करेगी, हम भी कर रहे। ठीक है चलो चलते हैं। और इधर पिकू बेबी कर रही है शॉपिंग, मतलब उसके शॉपिंग बैग में दो डॉल है और कुछ भी नहीं। पिकू तुमको दोनों चाहिए क्या? हाँ पिकू, मस्त। इधर अनु का शॉपिंग हो रहा है, उधर भाभी का, भाभी कहाँ गायब हो गई पता नहीं। सबका शॉपिंग हो रहा है, फुल ऑन बिजी। फिर से येलो मत लो यार, पिकू के पास 100 येलो ड्रेस है, येलो येलो डट्टी फैलो, ओनली येलो। सो घूमते घूमते मैं थक चुकी हूँ और एक्चुअली मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे तो कुछ लेना नहीं है, अनु और भाभी को ही लेना है मेनली। तो बस मुझे इतना वॉक करने का मन नहीं था, मैंने सोचा चलो एक पर्टिकुलर प्लेस ढूंढ के बैठ जाते हैं एंड देन हम जस्ट सिटिंग, वो लोग ले रहे हैं अपना सामान, हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये लोग एसी भी ऑन करके नहीं रखते हैं। एंड पीकू बेबी मस्त इंजॉय कर रही है, ये देखो पीकू बच्चा, वो मेरा बच्चा, देखो देखो पीकू का स्टाइल। अनु अनु, एक्चुअली अनु लोग उधर है, वो अनु अनु करके जा रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग मॉल से आ चुके हैं, यहाँ पे अनु और भाभी का मस्त वाला शॉपिंग हो रहा है और उधर पीकू बेबी मस्त से घूम रही है और हम तो अच्छे से बैठे हुए हैं यार। मैं कम्प्लीटली टायर्ड हो चुकी हूँ, एकदम से एग्जॉस्टेड, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं फ़ैन के नीचे बैठ गई हूँ यहाँ पे। अनु अनु पीकू भाग गए, किधर गए? देखो देखो जल्दी यार, ये पीकू बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ नहीं कर सकते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली कल मार्केट से आने के बाद आई वाज लाइक सो एग्जॉस्टेड, मैंने ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया। एंड इधर देखो ये जनाब सो रहे हैं अभी, क्योंकि ये लोग रात में गए थे बाराती, मतलब शादी में गए थे, बहुत सारा इन्जॉयमेंट हुआ इन लोगों का, उसके बाद ये लोग आए हैं तो अभी यू नो रेस्ट कर रहे हैं। और बस ये सब चल रहा है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है हमारा एंड वेट, मैं आप लोगों को दादी से भी मिलाती हूँ, बिकॉज कल मैंने आप लोगों को दादी से नहीं मिलाया था ना, इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ, दादी इज़ नाउ फाइन। और ये देखिए गाइस, ये है दादी। दादी अब आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना तबीयत? अच्छा आपको लग रहा है? और ये वाला दादी का कल फिर से होगा दूसरा प्लास्टर वगैरह, वो लोग करेंगे, बट दादी को टेंशन क्यों ले रहे हैं दादी? ऑपरेशन हो गया, आप थोड़े ना कुछ करेगा। देखो दादी को, दादी को अभी भी टेंशन हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का दादी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो डन विद ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद ग्लास ऑफ मिल्क, एक्चुअली इट्स गुड फॉर हेल्थ। और बस अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा ऑफिस का काम है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत दिन से मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा पहले एंड उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो बस काम करके हो गया मेरा, और आप जो ये पसीना देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल पसीना। एक्चुअली हम लोगों का लाइट रात से ही ख़राब है, मतलब आ रहा है जा रहा है, पोल से ही कुछ ख़राब है और हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है गर्मी से हम लोगों का। ओ माय गॉड, ये देखो अभी बिकी गया है वहाँ मिस्त्री को शायद बुलाने के लिए, देखते हैं वो आ जाएगा तब ठीक हो जाए यार, नहीं तो ये गर्मी में तो हम लोग पक्का मर जाने वाले हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है और लाइट भी नहीं है ऊपर से, कुछ नहीं कर सकते। एंड गाइस यहाँ पे बैठे बैठे सुबह से शाम हो गया, बट हम लोग का लाइट ठीक नहीं हुआ, हम लोग ये एक एसी डीसी बल्ब लगा के बैठे हैं, पूरा शॉप अंधेरा है, ऊपर भी अंधेरा। एक्चुअली क्या हुआ ना,
इन्वर्टर मेरा प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे लाइट, मतलब ये एरिया में लाइट इतना ज़्यादा वर्स्ट है ना, इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या ही बोलूँ यार, लाइट रहता ही नहीं है। आज सुबह से आई थिंक हार्डली सुबह से लेकर अभी तक में बस 2-3 घंटा लाइट होगा और लाइट है ही नहीं, और ऐसे पूरा रात भर कंटिन्यू होगा होता है। आई डोंट नो यार, पीकू बेबी इज लाइक क्राइंग और हम लोग सच में पागल ही हो रहे हैं लाइट के वजह से। यार क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है। और इधर देखो गाइस सबका हालत सबका हाल बेहाल हो रहा है। फाइनली यार इतना स्ट्रगल के बाद अभी लाइट आया है और अभी हम लोगों का इन्वर्टर भी ठीक हो रहा है। अब देखते हैं ठीक होगा ना नहीं, वो भी कंफर्म नहीं। पूरा एग्जॉस्टेड आज फील हो रहा है, माय गॉड लाइट का प्रॉब्लम मत ही पूछो यार। तो चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नो मूड टू व्लॉग एनी मोर। पता नहीं मुँह से भी कुछ निकल रहा है यार, मतलब गर्मी के वजह से। टिल देन बाय गाइस, हर हर महादेव, टेक केयर, बाय बाय।